I wish I could hold some. No, no. Of course, actually, okay? Niche? Stage pe bola hai. Okay. Obviously, mere dost Bunty ka restaurant is, obviously, I'm very happy. It's a very nice restaurant, lounge kind of a vibe. And I think we wanted something Pan-Asian, especially this side of the, like, you know, we had no Pan-Asian in Andheri. So obviously, I'm very excited that I have something, a new place to go to. मैं बिल्कुल पार्टी करना पसंद नहीं करती हूँ. आई एम द लास्ट पर्सन टू गो आउट टू पार्टी, बट ऑब्वियसली जब फ्रेंड्स का कुछ होता है तो यू नो यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड यू वांट टू सपोर्ट इट. आई हैव कम हियर फॉर फूड टेस्टिंग बिफोर एंड द फूड इज अमेजिंग. सो इट फील्स ग्रेट व्हेन योर फ्रेंड्स डू समथिंग प्रोग्रेसिव एंड दे डू गुड. आई थिंक आई एम जस्ट हियर टू विश लॉट ऑफ लक टू देम एंड लक टू हिम. थैंक यू, थैंक यू. दो लाइटें और मारते आदमी को अंधा ही कर देती. देख पूछे. ओके सर, सबसे पहले तो क्लब का लॉन्च है, क्या चेंजेस क्लब के बारे में? आज क्लब का लॉन्च है, क्या कहना चाहेंगे क्लब के बारे में? वेल, आई थिंक जो जो ये रेस्टोरेंट ये फाइन डाइनिंग ने शुरू की है वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड विश देम ऑल द सक्सेस एंड ऑल द लव. यहाँ का खाना मैं खा चुका हूँ बिकॉज हमारे लिए दोस्तों के लिए एक शॉर्ट शॉप ओपनिंग रखी गई थी. सो द फूड इज़ आउटस्टैंडिंग एंड आई थिंक जैसे बहुत फेमस रेस्टोरेंट जैसे याउचा है या फिर वो दोज काइंड ऑफ साउथ एशियन और एशियन क्यूजिन रेस्टोरेंट्स हैं. दिस इज द आंसर टू दोज रेस्टोरेंट्स फ्रॉम लोखंडवाला साइड. मैंने कहा ना कि मेरे बचपन के दोस्त ने जगह शुरू किया एंड सेकेंडली द फूड इज़ अमेजिंग. आई थिंक अब जब लोग यहाँ आएंगे खाना शुरू करेंगे तब जाकर पता चलेगा कि क्या चीज़ है जो मुझे यहाँ. ओके करण, आप पर्सनली पार्टी लवर है, सैटरडे के दिन पार्टी करते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी आपकी फेवरेट जगह है तो कौन सा होगा? वेल, अब ये जगह पास घर के पास है तो ज़्यादा ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े भी नहीं जाएंगे, तो आई थिंक यही जगह मेरी सबसे खास होगी. ओके, थैंक यू सो मच. Thank you.
एडवांस है हमारा तो हुआ है। Socket. Okay, should we finish? What time ho gaya since you had fun? वापस देखिए मैं 3.5 महीने बाद छूट के आया हूँ मशक्कत से बड़ा लिटरली बिग बॉस से आया हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है लाइट्स ये जो कि ऑफ लाइट्स है न्यूज चैनल्स है कुछ खाने को मिलेगा फॉर अ चेंज मतलब मैंने बहुत अच्छा सुना इसके बारे में करण पटेल ने बहुत तारीफ की है और स्पेशली मुझे कहा कि भाई तू तो जरूर आना ये बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा तुझे मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि मुझे मेरा पति वापस मिला कि इनके साथ मैं बाहर घूम मेरा पति सिर्फ मेरा है मेरा पति सिर्फ मेरा नहीं 3.5 महीने के लिए बिग बॉस का मेहमान था सो आई एम सो ग्लैड फाइनली ही इज आउट आई बीन सिटिंग एट होम फॉर 3.5 मंथ्स इनकी सोशल मीडिया सब कुछ मैनेज करती करती मैं बहुत ही खुश हूँ कि सब अकाउंट्स वापस दिए और मुझे छुट्टी मिली और वी कैन एंजॉय अ नाइट आउट ओके कल हमने कितना मिस किया इन पार्टीज एंड ऑल कितना मिस किया बहुत 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 ज्यादा वहाँ पर उल्टा था बिकॉज वहाँ पर सुबह गाना बजता था तो हमको सुबह डांस करना पड़ता था बड़ा अजीब सा माहौल था बिकॉज सुबह कौन डांस करता है नींद से उठ के बट वहाँ पर वैसा माहौल था दिस इज द माहौल जो मैं बहुत मिस करता हूँ यू नो म्यूजिक खाना गाना दोस्त तो अब मैं अंदर जाऊँगा और शायद बाहर ना आऊँ फेवरेट प्लेस जानना चाहेंगे जब पार्टी की बात होती है तो कौन सी जगह है जो प्रिफर करते हैं आज के बाद या उषा आज के बाद याजू होगा बिकॉज ये हमारे घर के पास है और बहुत ही शानदार बहुत ही स्पेशियस है एंड इट्स अ न्यू वेंचर फॉर हिम एंड मेरे तो रियल टाइप पापा ही हैं वो
So I'm very, very, very excited for this launch and I'm looking forward to go inside and I think मैं हर weekend यहीं पे होने वाली हूँ. Okay, ये है मोहब्बतें की पूरी cast यहाँ पे है ना भाई. See, we look forward to for outings because you know all the time we are shooting together, but जो offset वाला time है वो बहुत कम मिलता है, so we look forward to that. And अब मतलब घर के किसी family के इंसान ने ऐसा कुछ खोल लिया है, so you know it's always going to be overwhelming to come here. Okay, Aditi, also आपसे जानना चाहेंगे कितनी party lover है और आपका favorite case कौन सा है अगर party की बात करेंगे. Party lover, see, I love to dance in parties, like mad dance. But I don't go often out. I don't like go often, but because it's like a early call time every day for me. But जब मौका मिलता है, I go out and I think every place with great music is I think my favorite place. So yeah, thank you. क्या पूछोगे? ओके सॉरी, इट्स अ लॉन्च. मुझे पता नहीं है क्या क्या है. आजू का लॉन्च है. हाँ, सो इट्स अ लॉन्च फॉर आजू. एक नया प्लेस हो गया है पार्टी के लिए. Exactly. क्या कहना चाहिए? सच बताऊँ तो काफ़ी जगहें पुरानी हैं, हम बहुत कम पार्टी करते हैं एंड काफ़ी जगहों से हम होता है इंसान एक साल बाद बोर होने लग जाता है एंड अच्छा लगता है जब कोई नई जगह खुलती है. एंड करण भाई के बहुत से दोस्त हैं जिनकी जगह है, तो ऑफ कोर्स हम लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहेगा. एंड इट्स सच अ नाइस प्लेस, बहुत अच्छी लोकेशन पे है. सो मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा उनको एंड आई होप कि ये जगह बहुत अच्छे चले, क्योंकि जिस हिसाब से बनाई है, जिस हिसाब से हर एक चीज़ रेडी की गई है, इट्स अमेजिंग. ओके, आल्सो देखिए पार्टी तो बहुत ओकेजनली करता हूँ, बट जब करता हूँ तो बहुत अच्छे से करता हूँ. सो इसीलिए हर दिन वाला हूँ नहीं मैं, हर दिन पार्टी में करता नहीं, बट ऑफ कोर्स ये जगह अच्छी. आज मैं काफ़ी देर बाद आया हूँ एंड आई होप कि आज की रात अच्छी हो. ओके, आल्सो हम लोगों के खिलाड़ी के अच्छा हाँ जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस अंदर खतरों के खिलाड़ी का और कौन से डर को यू नो फेयर को? माइंड ब्लोइंग है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम लोगों की कितनी बची पड़ी है. एंड बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत माइंड ब्लोइंग था, बहुत मज़ा आया. एंड अभी अपने आप को देखने में लग रहा है कि हमने क्या क्या किया, इट्स अमेजिंग. आगे आगे बहुत ज़्यादा डेडली और बहुत डेयरिंग स्टंट्स हैं, मतलब अपने आप पे भरोसा नहीं होता है देख के. अभी जब सब देख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है. सो आई होप कि आप सब लोगों को भी पसंद आए. और कौन सा ऐसा फियर है जो ओवरकम किया है आपने? हाइट, आई गेस हाइट का एक फियर था जो बड़ी मुश्किल से मेरा निकल गया है अंदर से. एंड जो बचपन से था, तो आई थिंक वो 45 डेज में हाइट निकल गया मेरा. अब आगे के कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? अभी फ़िलहाल शेयर तो नहीं कर पाऊँगा, बट ऑफ कोर्स कुछ अच्छा है एंड इंशाल्लाह खतरों के खिलाड़ी के खत्म होने से पहले पहले शायद आ जाए. थैंक यू.